या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वे 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 नमो नमः जय माता दी। दुर्गाष्टमी पर आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आष्टा सीएम के गृह जिले में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ तेज। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने आष्टा में प्रत्याशी बदलने की उठाई मांग, नहीं तो परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। कांग्रेस के टिकट से 3 बार चुनाव हारने वाले इंजीनियर को दिया भाजपा ने टिकट। टिकट कटने से नाराज वर्तमान विधायक मालवीय और एक और दावेदार बगाना ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक कर बीजेपी संगठन को दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की आष्टा विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के टिकट से 3 बार हारे गोपाल इंजीनियर के नाम का ऐलान किया है और तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की आष्टा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है। जहां एक और सोशल मीडिया पर लोग भाजपा पर टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का टिकट कटने से इनके समर्थकों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो वहीं वर्षों से भाजपा और संघ में पेट बनाकर कार्य करने वाले कैलाश बगाना को टिकट नहीं मिलने से इनके समर्थक भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लिहाजा रविवार को विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय और टिकट के दावेदार कैलाश बगाना ने अलग अलग स्थानों पर बैठक आयोजित कर भाजपा संगठन के इस फैसले के खिलाफ बगावत करते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग की, नहीं तो परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने टिकट कटने के बाद गीतांजलि गार्डन में और टिकट के अन्य दावेदार कैलाश बगाना ने जैन धर्मशाला में अपने समर्थकों के साथ बैठक आयोजित की, जहां बड़ी संख्या में इन दोनों नेताओं के समर्थक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ललित नागौरी, जनपद उपाध्यक्ष गजराज सिंह सहित कई जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और भाजपा के द्वारा घोषित प्रत्याशी गोपाल इंजीनियर का खुलकर विरोध करते हुए भाजपा के संगठन से टिकट बदलने की मांग की, नहीं तो परिणाम भुगतने की सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। इस दौरान वर्तमान रघुनाथ मालवीय ने कहा कि हम 2000 कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म भरेंगे और पार्टी पुनः विचार कर प्रत्याशी को बदले, नहीं तो पार्टी को नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक अजीत सिंह ने कहा कि पार्टी के इस फैसले से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ललित नागौरी ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई और सीधे सीधे चेतावनी दे डाली और कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 3 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव हार गया है, जिससे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत पहुंचा है। यदि पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान दोनों नेताओं की बैठक में बड़ी संख्या में इनके समर्थक मौजूद रहे। परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी आ पसी थी भाजपा को या प्रदेश नेतृत्व को, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को टिकट न देते हुए कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति जो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अभी है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित थी, पर उसे जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष के बनाने के बाद अब विधायक का भी टिकट दे दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से जो जनसंघ से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विद्यार्थी परिषद से और युवा कार्यकर्ता चाहिए था, तो विद्यार्थी परिषद और उसमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उसमें से किसी को दे देते। कैलाश बगाना की भी अभी कोई उम्र नहीं है, कैलाश बगाना को भी टिकट, उसके टिकट नाम पे विचार करते, पर आपने कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया। इससे आम जन और 335 पोलिंग पे ही कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कमलनाथ जी के पीए को ज़्यादा मालूम हो गया होगा टिकट बिका है, क्योंकि वो प्रदेश की नेतृत्व कर रहा है, प्रदेश का राजनीति कर रहा है। हम आष्टा विधानसभा क्षेत्र में तो ये कह सकते हैं कि ये हक कैलाश बगाना का था, अब की बार
कैलाश बगाना को टिकट देना था, जन समर्थन पूरा कैलाश बगाना के साथ है, और कैलाश बगाना को टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मेहनत नहीं करना पड़ती और भारी बहुमत से जीतती है। यहाँ बिल्कुल गलत निर्णय आगे मैं तो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार फिर से पुनः विचार कर लें और कैलाश बगाना के नाम पे, और इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी एजेंसियां हैं, उससे सर्वे करा के देख लें हर पोलिंग का, अगर कैलाश बगाना का कहीं कोई नाम नहीं लेता है तो बिल्कुल नहीं दिया जाए कैलाश बगाना को टिकट, और अगर कैलाश बगाना का कहते हैं तो फिर कैलाश बगाना को प्रत्याशी बनाना चाहिए। हम ये चाहते हैं यार, हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सब ने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे, और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं, क्योंकि उसको लेकर आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है, पार्टी जो कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। के अनुशंसा से या दिया गया, अब अभी निश्चित रूप से श्री कैलाश बगाना मुझसे भी पार्टी में सीनियर हैं, और उन्होंने न केवल पार्टी में और विभिन्न संगठन उसमें काम किया है, आरएसएस में भी काम किया है, युवा मोर्चे में भी काम किया है, और काम करने के बाद उनका अपना एक नेटवर्क भी है, और मैं भी इस बात में प्रयासरत था कि कहीं पार्टी मुझे अवसर दे, लेकिन ये निर्णय पार्टी को करना था कि किसको निर्णय देना है। मेरे हिसाब से पार्टी को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत पहुंची है, जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने पूरा जीवन पार्टी के लिए कहीं ना कहीं समर्पित कर देता है, उसकी अगर अनदेखी होती है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता इस बात को अपना ठगा सा महसूस करता है। पार्टी ने क्या सोच के निर्णय लिया ये तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व इस बात पे विचार करे, लेकिन मैं आस्था के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय पार्टी का जो है वो उचित नहीं है कहीं से भी। आस्था से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।